पर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा सिधौलीवाला ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा अटैक को लेकर दी श्रद्धांजलि। पुलवामा अटैक की आज चौथी बरसी है, जिसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री की अध्यक्षता में सिधौली कस्बे के शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प अर्पित कर एवं मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में सिधौली के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर मंत्री धर्म प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में दर्जनों की में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सिधौली कस्बे के शहीद स्मारक पहुंचे थे। एबीवीपी नगर मंत्री धर्म प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आज से 4 साल पहले पुलवामा में 40 जवान अटैक के दौरान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इसी के क्रम में सिधौली वाला ग्रुप के संस्थापक सुयश ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमें पाश्चात्य सभ्यता को भूलकर भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए तथा 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तथा इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वैलेंटाइन डे पाश्चात्य सभ्यता का एक उदाहरण है, इससे भारतीय संस्कृति को छत पहुंचती है। हमें भारतीय संस्कृति अपनाना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री धर्म प्रकाश गुप्ता, तहसील संयोजक प्रांशु शुक्ला, सह संयोजक कौशलेन सिंह, नगर सह मंत्री सचिन दीक्षित आदित्य, अनुज शुभ तिवारी, ओम गुप्ता, सुचित शुक्ला, कृष्णा तिवारी समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम था, किस सापेक्ष में था? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम लोगों ने सभी लोगों ने पुष्पांजलि दी है। यहाँ पर जो हमारे पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हो गए थे 14 फरवरी के दिन, उसी प्रश्न में हम सभी लोगों ने अपने जवान शहीदों को श्रद्धांजलि। कहाँ पे दी है श्रद्धांजलि? कोतवाली के पास शहीद स्मारक पर दी है। अच्छा, किस संगठन की तरफ से आप लोग? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नाम आपका? धर्म प्रकाश गुप्ता, नगर मंत्री। आज आप शहीद स्मारक आए थे, क्या औचित्य था? और चित्र हमारा बस यही था कि जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उनको ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक श्रद्धांजलि तो हम अर्पित कर ही सकते हैं। खैर, ये जो कल्चर विदेशी कल्चर है उसको अपनाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें अपने वीरों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे वीर हमारे लिए सुरक्षा करते करते उन्होंने अपनी जान त्याग दी, उन परिवारों का क्या, उनके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा श्रद्धांजलि या कुछ भी आप जो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो ज़रूर करिए। अगर आप परिवार की मदद कर सकते हैं उनकी तो वो भी करिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी ऐसा आप समझाएंगे। कहाँ पे श्रद्धांजलि दी है? ये अभी कोतवाली सिधौली के सामने जो एक स्मारक बनी हुई है शहीद स्मारक, हमने वहीं पर दी है जितना हमसे पॉसिबल था। अगर पॉसिबल होता तो हम वहाँ जाकर भी देते उनके घरों पर, बट अभी के लिए हमारी यहीं से श्रद्धांजलि है। नाम क्या है आपका? सुयश सिधौली वाला, और हमारा ग्रुप सिधौली वाला ग्रुप वो भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है और सभी लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है, बशर्ते वो सभी यहाँ नहीं है, सब अपनी अपनी जगहों से दे रहे हैं। यही रहा है। धन्यवाद।